कॉमन फोर्सेस यूज्ड इन मैकेनिक्स, ठीक है, कॉमन फोर्सेस यूज्ड इन मैकेनिक्स में देखो ये आएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बेटा वेट, इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, है ना। वेट बताओ भाई, वेट तो जानते हो कि नहीं जानते हो? वेट वेट जानते हो कि नहीं जानते हो? वेट जानते हो कि नहीं? यस सर, हाँ, किसको बोलते हैं वेट? वजन। वजन। हाँ, वजन, वजनदारी। किसे मतलब? वेट मतलब, आज सुनते नहीं, मतलब वेट कम कर रहा हूँ, वेट कम कर रहा हूँ। तुम लोगों ने तो नहीं, लेकिन घर पे तुमने सुना ही होगा, वेट कम कर रहा हूँ, मैं अपना वेट बढ़ा रहा हूँ, है ना। सुना है कि नहीं सुना है सर? तो हम लोग भी वही वेट की बात कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं अभी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वेट का। mg व्हाट इज वेट एक्चुअल? व्हाट इज वेट? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। वेट क्या है बेटा? इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो यहाँ पे अर्थ हमने इमेजिन किया, ठीक है, दिस इज द अर्थ, ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है, ये हो गया अर्थ, अर्थ का मास हो गया कैपिटल एम, ठीक है। अब मान लो यहाँ कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है आर डिस्टेंस पे, इसका मास है स्मॉल एम। तो बेटा इस ऑब्जेक्ट पे, ये हमने ऑब्जेक्ट लिए, इसका मास क्या लिया हमने? एम लिया, ये हो गया अर्थ। अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रही है, खींच रही है, तो जो फोर्स लगेगा इस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? इट विल बी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना? आर स्क्वायर के बराबर। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? दिस इज द वेट, और वेट का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड द सेंटर। लेकिन ये जो डिस्कशन है हमारा, ये डिस्कशन हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में ज्यादा पढ़ते हैं। अभी हम लोग वेट का मतलब जो तुम लोगों ने एमजी पढ़ा ना, हम उसकी बात करते हैं। जब हम लोग अर्थ सरफेस पे पहुंच जाते हैं, नाउ व्हेन आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, है ना, जब हम लोग अर्थ सरफेस पे पहुंच जाते हैं, ये सपोज दिस इज द अर्थ सरफेस, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, अभी ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, अर्थ की रेडियस आर। जब हम लोग अर्थ सरफेस पे पहुंच जाते हैं तो अर्थ सरफेस पे जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी किसके बराबर हो जाएगा? ये भी वेट है, लेकिन ये वेट है बाहर पे, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, यही इसका वेट हो गया। यहाँ पे ये जो पूरा फार्मूला लिखा हूं मैंने, यहाँ पर ये फार्मूला किस में रिड्यूस हो जाएगा बेटा? अभी ग्रेविटेशनल फोर्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर में रिड्यूस हो जाएगा। अगर मान लो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर अगर हो गई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिड्यूस्ड बाय दिस इक्वेशन। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आ रही है यहाँ पर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज जी इनटू स्मॉल एम, तो इसको हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं एम जी से, है ना। व्हाट इज जी हेयर? वेयर स्मॉल जी इज जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, दिस इज द ग्रेविटी। और एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। तो हम लोग बेटा जो वेट अभी पढ़ने वाले हैं वो अर्थ सरफेस के लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो वेट पढ़ने वाले ना, वो अर्थ सरफेस के लिए पढ़ने वाले, मतलब हम लोग जो फार्मूला यहाँ पे पढ़ने वाले वेट का, कौन सा फार्मूला पढ़ने वाले हम लोग? वेट का ये फार्मूला पढ़ने वाले, एम जी वाला फार्मूला, है ना। तो हम लोगों का जो डिस्कशन है वो एम जी वाले फार्मूले के लिए है बेसिकली, समझ गए ना। तो इस चैप्टर में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, या लॉ ऑफ मोशन में वर्क पावर एनर्जी तक, हाँ,
जब ग्रेविटेशन में पहुंचेंगे तब ये फोर्स को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, लेकिन अभी यहां पर हम लोग वेट को कैसे लिखने वाले हैं, एमजी के फॉर्म में लिखने वाले। लुक एट हियर, ये मेरे पास बुक के ऊपर ये मोबाइल रखा हुआ, दिख रहा है कि नहीं मोबाइल? हम बोलेंगे बेटा इसका वेट कितना, मोबाइल का क्या बोलेंगे, एमजी। बुक का वेट कितना, बुक का मास इनटू ग्रेविटी, समझ गए कि नहीं? ये पेन का वेट कितना, पेन का मास और जी। ये स्प्रिंग का वेट कितना, एमजी हो गया। माउस का वेट कितना, एमजी हो गया, एम मतलब इसका मास हो गया। मेरा वेट कितना है, मेरी बॉडी का मास और जी की वैल्यू। आपका वेट कितना है, आपकी बॉडी का मास और जी की वैल्यू, समझ गए कि नहीं? तो अर्थ सरफेस पे हम लोग जो वेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस पे हम लोग जो वेट के बारे में पढ़ने वाले, ये जैसे बॉल है, बॉल का मास एम इंटू जी। अच्छा, जब बॉल हवा में तब भी वेट है कि नहीं इसका, जैसे जब ये गिर रही, हवा से गिर रही है सर, तो यहां पर इसका वेट है कि नहीं, गायब हो जाता हवा में गिरते टाइम, क्या नहीं? हेलो, क्या यहाँ पे बॉल जब नीचे गिर रही तब वेट रहता है कि नहीं रहता? मेरे हाथ में तो फील होगा, जब ये बॉल हवा में गिर रही तब वेट रहेगा कि नहीं बॉल का? रहेगा, रहेगा, वेट खत्म थोड़ी होगा यार, है ना, रहेगा। लेकिन जब ये हवा में गिर रही तो इसको इसका वेट फील नहीं होता है। जैसे मान लो तुम बिल्डिंग से कूद जाओ, ठीक है, कूदना मत, लेकिन बिल्डिंग से मान लो कूद गए आप, तो जब तक आप हवा में लट हो ना, तब तक आपको आपका वेट फील नहीं होगा। हाँ, जब ग्राउंड से टकराओगे तब आपको वेट फील होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े ना, तब हमको हमारा वेट फील होता है। लेकिन अगर हम लोग फ्री फॉल होने लगे, फ्री फॉल मतलब समझ गए, फ्री फॉल मतलब समझ गए, एरोप्लेन से तुमको किसी ने ढकेल दिया पानी में, एरोप्लेन है एक दो किलोमीटर हाइट पे उड़ रही है और बहुत बड़े तालाब के ऊपर उड़ रही है, किसी ने ढकेल दिया, धक्का दे दिया तुमको, ठीक है। तो जब तुम फ्री फॉल गिर रहे हो, एयर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दो, उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी का वेट जीरो नहीं होगा, लेकिन तुमको फील भी नहीं होगा वेट, ठीक है, फील नहीं होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी कि वेट खत्म हो जाएगा, तो वेट रहेगा। बॉल मेरे हाथ में है तब भी वेट एमजी है, और ये हवा में गिरते हुए आ रही तब भी इसका वेट एमजी है। तो यहाँ पे हम लोग जो वेट की बात कर रहे हैं वो नियर अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं, समझ गए ना? हम लोग यहाँ पे बेटा जो वेट की बात कर रहे हैं वो नियर अर्थ सरफेस के लिए कर रहे हैं, समझ गए बच्चों? बोलो जल्दी से, समझा? अरे समझ ला, टुवर्ड्स द ग्राउंड नहीं करेगा क्या? क्या अर्थ पोल टुवर्ड्स द ग्राउंड नहीं करेगा क्या ऑब्जेक्ट को? क्या 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 अर्थ पुल ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द ग्राउंड नहीं करेगा? टुवर्ड्स द ग्राउंड ही तो खींचता है, ग्राउंड पे आके रख गया तो रख गया, अभी ग्राउंड पे अभी आ रहे हैं हम लोग, अभी आपने सेंटर बोले, क्या आपने सेंटर बोले, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ रहेगा, मतलब जो वेट है उसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ रहेगा, ठीक है। अभी बना रहा हूं मैं डायग्राम, बना रहा हूं इसको नोट करो फटाफट। तो ये है कि आया कहां से फार्मूला, एमजी अपन लिख देते हैं ना तो आप तुम्हारा सोचते रहते हैं फार्मूला कहां से आ गया, फार्मूला कहां से आ गया, इसलिए मैंने फार्मूला बताया कि कैसे बना ये फार्मूला, है ना। पर ये फार्मूला कैसे बना उसका अभी इस चैप्टर में उतना यूज नहीं है, हाँ आगे जब ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तब इसी तरह से पढ़ने वाले फिर आगे। अभी हम लोग यहाँ पे हमारा फोकस सिर्फ एमजी को लेके, है ना, यहाँ पे अभी हमारा फोकस सिर्फ एमजी को लेके लिखेंगे भी ऐसे ही अपन, ठीक है बेटा। हेलो, अरे ठीक है, बोलो जल्दी से, समझ गए? हेलो, यस सर, ठीक है, फटाफट नोट करो, yes, जल्दी से, जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया क्या? Once again, sir, because network connection, I cannot hear properly.
प्लीज सर, एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ वो सर्दी तो पड़ गई है उसको सर सर हाँ बेटा बोलो सर और एक बार एक्सप्लेन करूँ सर नेटवर्क की वजह से सुनाई नहीं आया बराबर ठीक है अभी सुनाई आ रहा है हम लोग कौन सा क्या पढ़ रहे हैं बेटा वेट वेट सुना है कि नहीं सुना वेट वेट सुना है हेलो यस श्री वेट सुना है कि नहीं सुना यस श्री वेट सुना है बेटा यस श्री यस सर सुना है हाँ तो रिस्पॉन्ड करो अभी अभी दोबारा रिस्पॉन्ड करो अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ ना तो रिस्पॉन्ड किया करो है ना तो हाँ ये लगता है कि नहीं तुम्हारा नेटवर्क चल रहा है तो मुझे क्या पता चलेगा वेट सुना है कितना वेट है तुम्हारा सर पता नहीं बताना नहीं चाहते हो कि पता नहीं है सर पता नहीं इस लोगों को पता चल जाएगा बोले तेरे भाई का कितना वेट है उसको तो पता होगा ना मुझे इसको पूछो ठीक है तो वेट का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट समझ गए ना वेट का मतलब क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स वेट एक फोर्स है कौन सा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है ना इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय अर्थ कौन एग्जर्ट कर रहा है अर्थ किस पे ऑब्जेक्ट पे जैसे ये बॉल है मान लो तो इस बॉल पे जो वेट है अर्थ इसको जितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती बेटा वो इसका वेट है समझ गए अभी समझ गए यस सर हां तो बॉल की जगह में हम अपने आप को मान लें बॉल की जगह में आप किसी और ऑब्जेक्ट को मान सकते हो कंसीडर कर सकते हो समझ गए ना जैसे मोबाइल का वेट हो गया हमारा वेट हो गया डस्टर का वेट हो गया हर चीज के लिए तो वेट का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ जितने फोर्स से खींचती है वो उसका वेट होता है सीधा सीधा जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है सेंटर से आर डिस्टेंस पे तो जो फोर्स का डायरेक्शन लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन वो इधर की तरफ आएगा और फार्मूला कल देखे थे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर ये वेट है अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे आ गया अर्थ सरफेस पे आ गया तो ये आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी तो फार्मूला किसमें रिड्यूस हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर पे ये अर्थ सरफेस पे आ गया यहाँ पे समझ गए कि नहीं तो लेकिन इस फार्मूले पे ये जो जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर है ये होता है जी के बराबर ग्रेविटी के बराबर तो ये फार्मूला किसमें रिड्यूस हो गया जी इंटू एम या कितना बन गया mg के बराबर बन गया समझ गए yes, sir. Yes, sir. इस चैप्टर पे हमारा फोकस इस mg के बारे पे है ना हम लोग ये स्ट्रेस के फार्मूले की डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग अब mg लिखने वाले वेट को ठीक है क्लियर हो गया yes. क्लियर हो गया ओके चलो मिटा रहा हूं मैं हाँ इसको अब अर्थ सरफेस पे वेट का डायरेक्शन वेट का डायरेक्शन कैसा होता है वेट का डायरेक्शन कैसा होता है लिखेंगे कैसे वेट को तो ध्यान देना वेट ऑन अर्थ सरफेस है ना वेट ऑन अर्थ सरफेस हम लोग बेटा अर्थ सरफेस पे ही बात कर रहे हैं ठीक है जैसे मान लो यहां कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है ये इसका मास है m या यहां कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है
इसका मास है m2, इसका मास है m1, हाँ, या यहाँ कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है, समझ गए कि नहीं, इसका मास है m3, ठीक है, ओके, तो वेट को मेंशन कैसे करोगे, ये हो गई अर्थ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट, w1 इज इक्वल टू m1g, यहां पे वेट का डायरेक्शन आएगा टुवर्ड द सेंटर, w2 इज इक्वल टू m2g, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, w3 इज इक्वल टू m3 into g, तो वेट का डायरेक्शन हमेशा कैसा लेना है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लेना है, ठीक है, वेट का फार्मूला क्या हो गया, mg, वेयर m इज मास, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास, बेटा मास और वेट में फर्क होता, ध्यान रखना, आप कहीं पर भी चले जाओ, मून पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, स्पेस पे चले जाओ, आकाश में चले जाओ, पाताल में चले जाओ, नरक में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, है ना, कहीं पर भी चले जाओ, पानी में डूब जाओ, ठीक है, समझ गए, समझ गए कि नहीं, किसी और जगह चले जाओ, आपका क्या नहीं बदलेगा, मास नहीं बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, आपकी बॉडी का मास नहीं बदलेगा, लेकिन क्या बदलेगा, क्या बदल सकता है इधर उधर जाने पे, आप मास पे चले गए आपका वेट बदल जाएगा, मून पे चले गए, मून पे चले गए आपका वेट बदल जाएगा, है ना, किसी को अगर वजन कम करना, डॉक्टर ने बोला एक दिन दो दिन में तुमको तुम्हारा वजन कम करना, और तुम्हारे पास बहुत बड़ा रॉकेट है जो एक दिन में मून पे पहुंचा देगा, बस रॉकेट पे बैठो, मून पे पहुंच जाओ, वजन तोल लो, वहां पे तुम्हारा वजन क्या होगा, 1/6 हो जाएगा जितना यहाँ पे, मास नहीं बदलेगा लेकिन, समझ गए ना, वेट बदलता है, क्यों, क्योंकि अलग अलग जगह पे ये जो जी की वैल्यू होती है बदलती है, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ये नहीं बदलता, और जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस वैरी कर जाती है, लेकिन अर्थ सरफेस पे हम लोग जी की वैल्यू को क्या मान लेंगे, जी की वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस कैसी रहेगी, ऑन अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंट, को हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम लोग लेते हैं कॉन्स्टेंट मान लेते हैं अर्थ सर्फेस पे, ठीक है, वेट का डायरेक्शन हमेशा कैसे लेना बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लेना है ना, अब जैसे देखिए ग्राउंड हमने बना दिया यहाँ पे ऐसा, ये ग्राउंड बना दिया, और यहाँ पे मान लो कोई बॉक्स हमने रख दिए ऐसा, या किसी पर्सन को हमने खड़ा कर दिए, ठीक है, समझ गए कि नहीं, या किसी पर्सन को खड़ा कर दिए, या यहाँ पे ये छत है, छत से हमने किसी बॉक्स को लटका दिए यहाँ पे, ये ग्राउंड है, समझ गए, अरे समझ गए कि नहीं, या फिर ये यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन हमने ले लिया ऐसा, और फिर इस इंक्लाइन प्लेन पे हमने फिर से एक बॉक्स को रख दिए, हो सकता फिसल के आए, हो सकता ना आए, तो वेट का डायरेक्शन कैसे बनाओगे, वेट का डायरेक्शन कैसे बनाओगे, ये इसका मास है, वेट यहां से लोगे और ये वेट का डायरेक्शन बन गया, वेट की वैल्यू हो गई एम जी, ये पर्सन का मास मान लो एम है, तो वेट का डायरेक्शन ये हो गया इसका वेट, तो वेट का डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होता है, ये हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, इंक्लाइन प्लेन पे नहीं, ये यहां से वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जो भी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होता है ना उसके वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड राइट, तो वेट जो होता है, वेट हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लगाना है, क्योंकि तो ऐसी गोल है, वेट कैसे लगाना हमको, हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड के हमेशा परपेंडिकुलर वर्टिकली डाउनवर्ड लगाना है, ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा लगाओगे तभी जो डायरेक्शन आएगा इसका वो किधर जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ जाएगा, ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, ये जैसे अर्थ है बराबर है, हेलो अर्थ दिख रही है ना, अर्थ दिख रही है ना, ये अर्थ है मान लो, है ना,
यहाँ पे कोई पर्सन है, जैसे ये एक पर्सन है यहाँ पे अभी, ऐसा अब ये पर्सन चलते हुए इधर पे आ रहा है, तो यहाँ पे आके गिरते क्यों नहीं है नीचे, बता सकते हो क्या? थोड़ा कभी सोचा है ऐसे कि क्यों नहीं गिरते ये? ग्रेविटी 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 के कारण नहीं गिरते? क्वेश्चन रिपीट कर दो। ग्रेविटी के कारण सर, ग्रेविटी सर मैं समझा नहीं, आप पूछना क्या चाहते हैं? आप क्वेश्चन एक बार रिपीट करो। चलो ठीक है, देख ये देख एक अभी के खिलौने ले आया मैंने, ये देख यहाँ पे जानवर बैठा है, ये ऐसा देख रहा है ना, ये अभी यहाँ पे अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, बस मैं एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूँ ऐसा। अब ये चलते हुए ऐसा आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे आके गिर क्यों नहीं रहा? ये तो नीचे आ गया ना, लटक लटक गया ऐसा, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? ग्रेविटी हमें पुल करती है ना सर अर्थ की तरफ। हाँ, तो अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा सुपर नेचुरल पावर आ जाए और हम हर अर्थ के बाहर चले गए, बाहर से देखें अपन, बहुत दूर से मून के पास से देखें अपन या फिर मार्स से देखें अपन, ठीक है, अर्थ को, तो इधर के लोग ऐसे दिखेंगे अपने को, इधर के ऐसे दिखेंगे, इधर के ऐसे दिखेंगे, है ना? अरे ये तो ऐसा लगेगा हमको, तो नीचे लटके हुए। सर पहले तो अर्थ के बाहर से लोग बहुत मुश्किल से दिखेंगे। अरे मेरे भाई, मैंने क्या बोला कि सुपर नेचुरल पावर आ गया कुछ तुम्हारे पास में, है ना? मैंने ये थोड़ी बोला कि डायरेक्ट देख लोगे, कोई सुपर नेचुरल पावर आ गया और अर्थ को देख रहे हो आप दूर से, वी आर द व्यूअर्स, वी हैव अ सुपर नेचुरल पावर और अब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर के जो लोग हैं वो ऐसे दिखेंगे, यहाँ पर के ऐसे कुछ दिखेंगे या ऐसे, यहाँ पर के ऐसे दिखेंगे, दिखेंगे कि नहीं? लेकिन इनके लिए ये नहीं, ऐसे ही हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हमारे लिए ये ऐसा दिख रहा है यार ये लटका हुआ है, लेकिन इसके खुद के लिए कैसा है? ये तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, इसके खुद के लिए, समझ गए? समझ ला? हेलो, यस सर, हेलो सर, ओके, यस सर। हाँ, तो ये नोट कर लो आप लोग, वेट का डायरेक्शन कैसा लेना हमेशा, वर्टिकली डाउनवर्ड टू द हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, समझ गए? हेलो, बोलो भाई। यस सर, यस सर, चलो फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। तो वजन कम करना बहुत जल्दी, तो कहाँ चले जाओ? मून पे चले जाओ, है ना? बहुत जल्दी वजन कम हो जाएगा तुम्हारा, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर वापस आएंगे तो उतना ही गेन हो जाएगा ना? हाँ, वापिस आएंगे जितना यहाँ से गए थे बेटा उतना ही हो जाएगा। अच्छा, वेट और बढ़ाना तो कहाँ पे चले जाओ? वेट बढ़ाना तो कहाँ चले जाओ? मर्क्यूरी, वीनस, सन, जुपिटर पे चले जाओ, सैटर्न पे चले जाओ, और ज्यादा वेट, जुपिटर, ब्लैक होल पे चले जाओ, ब्लैक होल पे चले गए जितना वेट बढ़ जाएगा तुम्हारा कि पूछो मत फिर, है ना? तुम खुद ही अर्थ को अट्रैक्ट करने लगोगे, इतना ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा वेट। सर हाँ, आज आप दोपहर की क्लास लोगे क्या बेटा? सर दोपहर की क्लास लोगे क्या आप 5:30 बजे? हाँ हाँ लूंगा ना। ओके सर। हाँ, पर शाम वाली क्लास में लिखने के लिए टाइम नहीं देता हूँ, शाम वाली क्लास में सिर्फ एक्सप्लेन करके आगे बढ़ाते हैं ना। लिखने के लिए अभी रहता, आप साथ में लिखो अभी की क्लास पे। नेटवर्क कनेक्शन के वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसलिए। शाम को नहीं होगा क्या? हो गया क्या बेटा लिखकर? सर नो सर, सर हाँ बोलो, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोलो सर। अर्थ पे मतलब कभी मास चेंज नहीं हो सकता क्या? सॉरी मास बोला, वेट चेंज नहीं हो सकता क्या? नहीं, अर्थ पे भी चेंज होता है, पर हम लोग ग्राउंड के लिए, ग्राउंड सरफेस के लिए हम जी की वैल्यू को कांस्टेंट मान लेते हैं, लेकिन इक्वेटर से पोल की तरफ में, पोल पे भी जो रहता है ना, ग्रेविटी की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा रहती है, इक्वेटर में इफेक्टिव ग्रेविटी थोड़ी सी कम रहती है, इक्वेटर की तरफ की रेडियस थोड़ी ज्यादा रहती है, यहाँ पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती पोल पे, तो आपका जो वेट होता है ना पोल पे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है, ठीक है?
और एक तो अर्थ के रोटेशन का भी इफेक्ट पड़ता है इस पे, समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा? यस सर। ओके, फटाफट नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो यार तुम। सर हो गया। ओके वेरी गुड सर। सर बाकी है थोड़ा सा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे तुम लोग? सर पानी जो रहती है वो पास बताते कि बेट बताते? क्या बेटा बोलो, क्या बोल रहे? कहाँ पे जो डॉक्टर लोग लिखते हैं वो मास होता है कि वेट लिखते हैं, ये पूछ रहा ना? हेलो, अरे जो डॉक्टर लोग, हाँ सर वही पूछ रहा। हाँ वो वेट होता है, मास कहाँ से लिख देंगे? मास लिखने के लिए तुमको जी की वैल्यू को हटाना पड़ेगा ना, जी की वैल्यू को हटाओगे ना तब मास आएगा आपका, ठीक है? हो गया सर। सर मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो फॉर्मूला आया वेट का उसमें जी से डिवाइड कर दो तो तुमको तुम्हारी बॉडी का मास पता चल जाएगा, जी से डिवाइड करने पे मास का पता चल जाएगा, ठीक है? जैसे देख अभी यहाँ पे ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे ये कोई पर्सन है ना, इस पर्सन का मास सपोज मैंने कितना लिया, 20 केजी लिया, ये अर्थ सरफेस है, तो बेटा इसका वेट कितना लिखोगे? वेट इज इक्वल टू एमजी, हम लोग यहाँ पे ना जी की वैल्यू कितना यूज कर लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर लेंगे, तो इट इज 20 केजी इनटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड व्हाट विल बी द वेट? इट इज 200 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 200 न्यूटन, ठीक है? 200 न्यूटन। समटाइम जो वेट आया यहाँ पे mg या फिर 20 kgf भी बोल दिया जाता है, kgf, kgf मतलब किलोग्राम फोर्स, तो यहाँ पे अगर वेट को kgf में बोला गया मतलब उसमें अभी g का मल्टीप्लाई करना बाकी है, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिख दिया 20 kgf किलोग्राम फोर्स, इट इज 20 किलोग्राम फोर्स है, मतलब इसमें अभी जी का मल्टीप्लाई करना है, 20 जी आएगा 20 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 20 केजी इंटू इतना, तो तब ये क्या बनेगा बेटा, न्यूटन में बनेगा, समझ गए कि नहीं? तो कहीं कहीं पे न्यूटन में भी लिखेगा, एमजी भी लिखेंगे या केजीएफ भी लिखा है, तो उसका मतलब वही होता है, केजीएफ लिखा मतलब अभी उसमें कितने का मल्टीप्लाई करना बाकी है, जी की वैल्यू का मल्टीप्लाई करना बाकी है, समझ गए KGF का मतलब? क्लियर हो गया बेटा? बोलो जल्दी से, समझा कि नहीं समझा? ओके फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो जल्दी से। लिया। हो गया बेटा लिखकर? यस सर। ओके
पेज नंबर फोर देखो अभी ना, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब समझते हो कि नहीं? हेलो, स्ट्रिंग मतलब समझते हो कि नहीं? यस। ये ग्राउंड है यहाँ पे, है ना, दिस इज द ग्राउंड। ये बॉक्स लटका हुआ है यहाँ पे स्ट्रिंग से, और इसका मास सपोज 2 kg है। तो वेट का डायरेक्शन कैसे बनाओगे? बॉक्स का वेट ऐसा जाएगा, वेट इक्वल्स टू mg, समझ गए? वेट इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पे ये इसका वेट आ गया, वेट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे mg। डायरेक्शन हमेशा ग्राउंड के परपेंडिकुलर, ऐसा डाउनवर्ड, ठीक है। फिर ये सेकंड डायग्राम हो गया। अगर जैसे मान लो कोई इंक्लाइंड प्लेन पे आ रहा है, इंक्लाइंड प्लेन मतलब समझ गए कि नहीं? इंक्लाइंड प्लेन कहाँ देखते हो? इंक्लाइंड प्लेन कहीं देखे हो? प्रैक्टिकली इंक्लाइंड प्लेन बताओ, प्रैक्टिकली जो यूज किए हो आपने, प्रैक्टिकली इंक्लाइंड प्लेन। पार्क में गए हो कभी? पार्क में गए हो? स्लाइड, यस सर, स्लाइड। बोलो, 2 साल से नहीं गए? 2 साल पहले तो गए होगे भाई, 2 साल पहले गए हो पार्क में? यस सर। और वो जो होती घसर पट्टी है, ये क्या है बताओ? स्लोप, स्लोप बोलते हैं उसको, ये फिसल के आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको? घसर पट्टी बोलते हैं कि नहीं बोलते? स्लाइड, स्लाइड, स्लोप और स्लाइड, है ना, ये इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई बॉक्स रखा हुआ है सर, या ये पर्सन है, तो इसका जो वेट आएगा, वेट का डायरेक्शन बेटा हमें हमेशा कैसे लेना है? ग्राउंड के परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये एच ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये स्लाइड है ना, इसका मास एम है। तो वेट को ऐसे लेना, वर्टिकली डाउनवर्ड लेना है, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? वेट को ऐसे नहीं कि यहाँ पे ऐसे बनाना, वेट को ऐसा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, समझ गए बच्चों? अभी ये जैसे बिल्डिंग है मान लो कोई, है ना, अब यहाँ पे मैं मान लो यहाँ पे सीढ़ी बना देता हूँ, ये सीढ़ी बना दी अपन, स्टेप्स, स्टेप्स कैसे बनाते हैं? ये जैसे स्टेप्स बनी हुई है ना, ये बिल्डिंग है। अब मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है ऐसा, तो इसका वेट कैसे बनाओगे? वेट का डायरेक्शन कैसे आएगा? इसका वेट का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए बेटा? वेट का डायरेक्शन, चलो फटाफट नोट कर लो। और अब दूसरे फोर्स पे आते हैं हम लोग, ये तो हो गया वेट के बारे में। अरे स्टेयर वाला एग्जांपल बताना एक और। क्या बेटा? ये आपने जो सेकंड एग्जांपल बताया वाला बताना। अरे वेट हमेशा जो हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड होता है ना उसके परपेंडिकुलर लगाना, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड इसके डाउनवर्ड है सब, ठीक है, ऐसा लगाते हैं वेट को कभी भी, ठीक है। हेलो, हां सर, हां, ऐसा थोड़ी कि वेट अभी सीढ़ी से ऐसे चल रहे तो वेट इधर इधर मत बनाना, वेट का डायरेक्शन पता चल रहा है किसी बच्चे ने ऐसा बना दिया वेट का डायरेक्शन, ये गलत है। वेट का डायरेक्शन कैसा आएगा? ये वाला सही है, ये वर्टिकली कैसा होगा? डाउनवर्ड।
वर्टिकल एक ही डायरेक्शन होता, ध्यान रखना वर्टिकल दो डायरेक्शन नहीं होते, वर्टिकल डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जाता है, वर्टिकल डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन एक ही होता है, वर्टिकल डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है बच्चों, हेलो, वर्टिकल डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हो गया लिखकर कि नहीं हुआ, हाँ सर हो गया, अब वेट के बाद अब दूसरे फोर्स में आते हैं, तो वेट ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया अपना, है ना, अब आप लोग आसपास और कौन कौन से फोर्स देखते हो जो डेली लाइफ में आपको ऑब्जर्व होते हैं, और कौन कौन से फोर्स, पेज नंबर 5 पे आते हैं हम लोग अभी, पेज नंबर 5 पे, अब एक और फोर्स आ रहा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, इट इज डिनोटेड बाय एन, एन वेक्टर, नॉर्मल रिएक्शन, है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन भी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या बेटा, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट पे रहते हैं, अच्छा दो टाइप के फोर्स भी बोलते हैं, एक होता फील्ड फोर्स और एक होता कांटेक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड फोर्स है, मतलब दो बॉडी के आपस में कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, दूर से लग जाएगा, जैसे दो मैग्नेट दूर से एक दूसरे पे फोर्स लगा देती हैं, है ना, वो फील्ड फोर्स हो गए, कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब होता है जब दो बॉडी के बीच में कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, अगर कॉन्टेक्ट खत्म तो फोर्स खत्म, फील्ड फोर्स कॉन्टेक्ट में होना जरूरी नहीं है, फील्ड फोर्स में कॉन्टेक्ट जरूरी नहीं है लेकिन कॉन्टेक्ट फोर्स कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, जैसे फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, सो इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका नेचर क्या है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन का नेचर ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का टाइप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का टाइप है कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, एक्सर्टेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट when they are in contact, they are in contact and their direction is perpendicular to the contact surface, their direction is perpendicular to contact surface, इसका direction contact surface के perpendicular होता है, ठीक है, normal reaction, ये कौन सा force है, कॉन्टेक्ट फोर्स है, और ये तभी लगेगा, दिस फोर्स डिसअपीयर इफ कॉन्टेक्ट इज ब्रोकन, ऐसा भी लिख दो, दिस फोर्स इज डिसअपीयर, डिसअपीयर इफ कॉन्टेक्ट इज ब्रोकन, कॉन्टेक्ट इज ब्रोकन, अगर कॉन्टेक्ट खत्म हुआ तो ये फोर्स भी खत्म हो जाता है, ठीक है, दिस फोर्स डिसअपीयर इफ कॉन्टेक्ट इज ब्रोकन, इसको समझने के लिए देख लो, यहाँ पे जैसे मान लो मैंने ये क्या बना दिया, ग्राउंड बना दिया, और ये कोई बॉक्स रख दिया मैंने यहाँ पे, है ना, ग्राउंड के ऊपर, समझ गया ना, दिस इज अ बॉक्स एंड दिस इज अ ग्राउंड, तो बेटा कॉन्टेक्ट फोर्स कहाँ पे लगेगा, कॉन्टेक्ट फोर्स कहाँ पे आएगा, ये कॉन्टेक्ट सर्फेस आ रही है, कॉन्टेक्ट फोर्स हमेशा बॉक्स बाय ग्राउंड, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्स है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉक्स बाय ग्राउंड, और क्योंकि फोर्सेस हमेशा पेयर में आते हैं तो जितना नॉर्मल इस बॉक्स पे लग रहा है उतना ही इस पे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड बाय बॉक्स, ठीक है, ये वाला फोर्स किस पे लग रहा है, ये वाला लग रहा है बॉक्स पे, और ये वाला किस पे लग रहा है, ग्राउंड पे, ये कौन सा हो गया, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड बाय बॉक्स, ये किसने लगाया, ये ग्राउंड पे लग रहा है,
किसने लगाया है? बॉक्स ने लगाया है। ये वाला फोर्स किस पे लग रहा है? बॉक्स पे लग रहा है। किसने लगाया है? ग्राउंड ने लगाया। और कॉन्टेक्ट पे है तो लगेगा, कॉन्टेक्ट अगर खत्म हुआ ना तो ये डिसअपीयर हो जाएगा। कॉन्टेक्ट अगर ब्रेक हुआ तो ये डिसअपीयर हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? कॉन्टेक्ट अगर ब्रेक हुआ तो ये डिसअपीयर हो जाएगा भाई। जैसे मान लो, है ना, ये मान लो कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है ऐसा, ये पर्सन मान लो कोई यहाँ पे खड़ा है, तो अभी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कॉन्टेक्ट सरफेस के। कितने नॉर्मल रिएक्शन बनेगा यहाँ पे? चलो मैं यहाँ पे पैर जोड़ के खड़ा कर देता हूँ इसको, अभी बस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग ले रहे हैं इसको। ये पर्सन के पैर हैं ऐसे, है ना, इस तरह से। तो बेटा कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा ना अभी पर्सन पे कि नहीं लगेगा? कॉन्टेक्ट फोर्स कैसा आएगा? अभी नॉर्मल रिएक्शन आएगा यहाँ पे। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन मैन बाय ग्राउंड। ये मैन हो गया और ये क्या हो गया यहाँ पे? ग्राउंड हो गया। ऐसे ग्राउंड पे भी लगेगा उसी के बराबर का, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड बाय मैन, ठीक है। और अगर ये पर्सन यहां से जंप लेता है, इफ ही जंप, अगर ये पर्सन ऐसा जंप लिया हवा पे आ गया तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा क्या? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है? मैन बाय ग्राउंड तुरंत कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड बाय मैन कितना हो गया? जीरो हो गया। तो ये तभी लगेगा जब दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट पे, कॉन्टेक्ट खत्म, फोर्स खत्म। समझ गए? अरे समझ गए बच्चा। हेलो। हाँ सर। यस सर। खत्म। जैसे अभी मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, जैसे अभी तुम चेयर पे बैठे होगे, तो चेयर और तुम्हारी बॉडी के बीच में कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। चेयर से उठे, चेयर और तुम्हारे बीच का नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो गया, समझ गए ना? तो जो भी सरफेस कॉन्टेक्ट पे आएंगे उस हर जगह पे कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। जो भी सरफेस बेटा कॉन्टेक्ट पे रहेंगी वहां वहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टेक्ट सरफेस के कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। इसका नेचर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैं अब यहाँ पे डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स और बॉक्स के मॉलिक्यूल्स, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, अंदर की बात हो गई इनके, तो हम उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे इसके लिए। हम लोग अभी यहाँ पे सुपरफिशियल स्टडी देख रहे हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इस फोर्स के कारण जैसे हम हमारे बॉडी पे जो, जैसे मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं ना, तो मेरे पैरों पे और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और इसी नॉर्मल रिएक्शन के कारण मुझे मेरी बॉडी का वेट फील हो रहा है ना, इसी नॉर्मल रिएक्शन के कारण वेट फील हो रहा है। अगर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, मैं हवा में जंप करूंगा ना, तो मुझे उस टाइम पे मेरा वेट फील नहीं होगा, बट वेट रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं? मतलब वेट को अर्थ मुझे नीचे खींच रही है और ये ग्राउंड ने मुझे ऊपर की तरफ सपोर्ट करके रखा। अर्थ जो नीचे खींच रही है उसको नीचे नहीं जाने दे रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन में ने मुझे क्या करके रखा? यहाँ पे होल्ड करके रखा। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया बेटा? और भी इसी तरह से आएंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? इट इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। कब लगता है? जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टेक्ट रहता है तब लगता है। कॉन्टेक्ट खत्म, फोर्स खत्म, सीधा सा। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए बच्चों? यस सर। फटाफट नोट कर लो इसको, फटाफट सर। हाँ बोलो बेटा। सर फर्स्ट डायग्राम रिपीट कीजिए ना। फर्स्ट वाले डायग्राम में ये बॉक्स यहाँ पे ग्राउंड पे रखा है, कोई अलमारी रखी है ग्राउंड पे, तो बॉक्स पे जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, वो ऊपर की तरफ लगेगा बॉक्स पे, और ग्राउंड पे कैसा लगेगा? उसी का रिएक्शन पेयर। अगर एक एक्शन है तो दूसरा कौन सा हो जाता है? यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है। ये कौन सा फोर्स हो गया? मान ले ये हो गया एक्शन, तो ये वाला कौन सा फोर्स हो गया बेटर? ये हो गया रिएक्शन। समझ गए ना? इसकी जितनी वैल्यू है, लेट इसकी वैल्यू मैंने कितना ले लिया यहाँ पे? 20 न्यूटन ले लिया है ना, 20 न्यूटन। तो ये वाली फोर्स की वैल्यू भी कितनी आएगी? देन दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 20 न्यूटन। अगर ये 30 है तो ये भी 30 आएगा। क्लियर हो गया बेटा? अरे समझ गए? यस सर। यस सर। ये कैसे लगा? दिस इज ऑन बॉक्स। किसने लगाया? बाय ग्राउंड। ये किसने लगाया? ग्राउंड ने, ठीक है। क्लियर? हेलो, अभी समझ गए? यस सर। ठीक है, फटाफट नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो फटाफट।
हो गया क्या? यस सर। ठीक, फटाफट करो यार, जल्दी जल्दी डायग्राम बना थोड़ा स्पीड से। इसे समझाओ ना। क्या बेटा? शॉर्ट में थोड़ा समझाना। देख ये ऐसा नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय टू ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट रहता है तो ये फोर्स लगता है। कॉन्टैक्ट खत्म हो गया तो ये फोर्स खत्म हो जाएगा। इसका नेचर क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब यहां पर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ग्राउंड के और ये बॉक्स के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट पे आए हैं तो ये दोनों के मॉलिक्यूल आपस में फोर्स लगाते हैं। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है कॉन्टेक्ट सर्फेस के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल वर्ड का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन ये ऊपर और इस पे ये नीचे। जैसे ये पर्सन है, मान लो ये पर्सन पे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऊपर है, ग्राउंड पे नीचे लग रहा है, उसी के बराबर वैल्यू का। पर्सन ने जंप किया तो जैसे जंप करेगा तो ग्राउंड से कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ गए? समझ गए अभी? यस सर। ठीक, हो गया क्या बेटा लिखकर? यस सर। यस। ठीक, अभी यहां पे मैं कुछ सिचुएशन बना रहा हूं, इसमें नॉर्मल रिएक्शन उनको लिखना है, नॉर्मल रिएक्शन लिखना है, नॉर्मल रिएक्शन का डायग्राम बनाना, पेज नंबर 6। नॉर्मल रिएक्शन के डायग्राम बनाना आपको है ना, जितनी जगह भी ना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है सभी को मेंशन करना है। ये ग्राउंड हो गया ऐसा, ठीक है, और ये एक दीवार हो गई, वर्टिकल वॉल हो गई, ये एक बॉक्स हो गया मान लो यहां पर, ये हो गया बॉक्स ए, और इसके ऊपर मान लो यहां पे क्या रख दिया मैंने, ये बॉक्स बी रख दिया, ठीक है। तो बॉक्स ए पे जितने जगह पर भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो बनाना है और बॉक्स बी पे बनाना है, समझ गए ना। तो बेटा कहां कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है एक फोर्स, बता जल्दी से, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए वाई ग्राउंड, फिर यहां पे आ जाएगा दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए वाई बॉल, फिर यहां पे आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए वाई बी, ठीक है। अब इनके पेयर बनाते हैं, ये आ गया एक नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड वाई ए, यहां पे आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉल वाई ए, यहां पे ये आ जाएगा बेटा नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी बाय ए। समझ गए? सारे कॉन्टेक्ट फोर्स बना लिए यहाँ पे, समझ गए कि नहीं? कॉन्टेक्ट फोर्स जितने भी बना लिया, जितने भी हैं सब बन गए कि नहीं? तो बॉक्स ए पे कितनी जगह सरफेस कॉन्टेक्ट पे आ रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसलिए बॉक्स ए पे तीन कॉन्टेक्ट फोर्स लगे, तीन नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स लगे। समझ गए? समझ गए? बॉक्स ए पे तीन जगह पे कॉन्टेक्ट पे आए इसलिए तीन नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स लगे, ठीक है बेटा। अरे बोलो जल्दी से। यस सर। मान लो ये पर्सन कोई यहाँ पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, ये इसके जूते हैं यहाँ पे, शूज है, ये है ना, अभी मत बोलना कैसा डायग्राम बना दिया सर आपने, ये दो शूज हैं यहाँ पे इसके, ये पर्सन है कोई है ना, ये मान लो उसका है राइट लेग राइट फुट, और ये मान लो उसका लेफ्ट फुट है ना। चलो बताओ जरा नॉर्मल रिएक्शन कहां कहां पे आएगा पर्सन पे, एक तो यहां पे आएगा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन
राइट फुट बाय ग्राउंड, ये क्या है बेटा यहाँ पे, दिस इज द ग्राउंड है ना, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऑन राइट फुट बाय ग्राउंड, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन लेफ्ट फुट बाय ग्राउंड, जरूरी नहीं कि वैल्यू बराबर बराबर हो, अलग अलग हो सकती है यहाँ पे, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड बाय राइट फुट, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड बाय लेफ्ट फुट, समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से। Yes, sir. तो जितनी भी जगह पे कॉन्टेक्ट सर्फेस है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉन्टेक्ट सर्फेस के परपेंडिकुलर लगाना है, नॉर्मल रिएक्शन को हमेशा कॉन्टेक्ट सर्फेस के परपेंडिकुलर लगाना है, ठीक है? अरे समझ गए सर, बोलो। हाँ बोलो बेटा। सर पूरे एक बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा क्या? अलग अलग क्यों लगाया आपने सर, एक राइट पे एक लेफ्ट में, पूरे बॉडी पे लगेगा ना सर? एक थोड़ी लगेगा भाई, दो पैर है उसके, तो दो जगह कांटेक्ट ग्राउंड के साथ में, दो जगह पे कांटेक्ट आया, मान लो एक तरफ वजन देके खड़ा, एक तरफ कांटेक्ट पे लेकिन वजन कम दिया थोड़ा, तो वैल्यू अलग अलग हो सकती है इनकी। हाँ कंबाइन कर दो, दोनों पैरों को इकट्ठा चिपका दो तो एक ही मान लो, लेकिन अगर दो जगह पे कॉन्टेक्ट है तो दो जगह बनाना पड़ेगा ना, जैसे ये वाले बॉक्स पे देख, अब ऐसा थोड़ी कि एक ही लग रहा है, यहाँ पे ग्राउंड के साथ में आ रहा है, यहाँ वर्टिकल वॉल के साथ में आ रहा है, यहाँ पे बॉक्स के साथ में आ रहा है, तो एक ही बॉडी के अगर अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह से कॉन्टेक्ट पे आ रहे हैं तो अलग अलग पोर्शन के लिए आपको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी डिफरेंट लिखनी है, हो सकता है कैलकुलेशन करने पर वो वैल्यू सेम आए, है ना, बट आपको जितनी जगह पर भी कॉन्टेक्ट आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, जैसे ये वाला कॉन्टेक्ट ग्राउंड के साथ में एक बार लिखना, ये बॉल के साथ में अलग लिखना, यहाँ पे बॉक्स के साथ में अलग लिखना, समझ गया? समझ गया कि नहीं? हेलो, हाँ, तो जितनी जगह भी बॉडी के पार्ट कांटेक्ट पे आ रहे उतने नॉर्मल लिखना। अब मान ले यहाँ पर क्या कर रहा है ये जो पर्सन है, यहाँ पे एक और दीवार है ऐसी, दिस इज अ वर्टिकल वॉल, और एक हाथ से ये दीवार को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है यहाँ पे, तो और आएगा कि नहीं नॉर्मल रिएक्शन, बताओ अभी, एक और आएगा कि नहीं? हाँ सर आएगा। हाँ अब यहाँ पे कौन सा जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, इसके हाथ पे ही आ जाएगा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन हैंड बाय वॉल, और यहाँ पे फिर दीवार पे भी आएगा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन वॉल बाय हैंड, समझ गए? ये किस पे, ऑन हैंड बाय वॉल, क्लियर हो गया बेटा? अरे समझ गए, बोलो जल्दी से। yes, कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? चलो फटाफट नोट करो, फिर फटाफट नोट कर लो जल्दी से। हो गया क्या बेटा? सो वेट अ मिनट। यस सर डन। सर ये बड़ा बॉक्स है, उस पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? कौन सा वाला? बड़ा बॉक्स में नहीं, अभी हम लोग सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल कैसे लगते हैं उसका डिस्कशन कर रहे हैं। हो सकता है बड़े बॉक्स पे और भी फोर्सेस लग रहे हो अभी, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे, अभी सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगाते हैं उसकी स्टडी कर रहे हैं। अभी हम लोग एक ऑब्जेक्ट पे, जैसे एक ऑब्जेक्ट पे सिर्फ जरूरी थोड़ी कि एक ही फोर्स लगे, एक ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स लग सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स लग सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कितने भी फोर्स लग सकते हैं ना, तो अभी हम लोग सिर्फ स्पेशली पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हैं। जैसे अब इनका वेट भी आएगा भाई, ये वाले बॉक्स का खुद का वेट भी रहेगा,
ये वाले बॉक्स का वेट भी रहेगा, तो उनको थोड़ी बनाया अभी अपन ने, अभी हम लोग सिर्फ स्पेसिफिक कर रहे हैं, वेट को अलग पढ़ लिया अपन ने, नॉर्मल रिएक्शन अलग पढ़ लिए, दूसरे फोर्सेस अलग अलग पढ़ेंगे, और फिर आगे चल के अब जब देखेंगे कि यार हाँ ये एक ऑब्जेक्ट इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं वो सब देखेंगे फिर आगे। ठीक है, समझ गया बच्चों? हेलो, समझ गए कि नहीं सर? सर हाँ बोल सर, जैसे छोटे बॉक्स पे लग रहा है mg, तो बड़े बॉक्स में भी mg लगेगा सर? बिल्कुल लगेगा, इसका mg अलग आएगा, इसका mg अलग रहेगा, है ना? ओके सर। ओके, हो गया नोट करके? क्या नोट करके हो गया क्या बेटा? यस सर। कॉन्टैक्ट फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन कब खत्म हो जाता है, कब डिसअपीयर हो जाता है? ये नॉर्मल रिएक्शन कब डिसअपीयर हो जाता है, बोलो जल्दी से। व्हेन कॉन्टैक्ट इज सबटियर, व्हेन कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन, देन ए टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग ना दो टाइप की होती है, स्ट्रिंग आर टू टाइप, एक होती है आइडियल और एक होती है नॉन आइडियल। नॉन आइडियल मतलब मास एंड फ्रिक्शन एक्सेट्रा ये इस पे होते हैं, और आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग समझते हो? आइडियल स्ट्रिंग का मतलब होता है मासलेस, मासलेस या नेग्लिजिबल मास, मासलेस, फ्रिक्शनलेस, उसमें कोई फ्रिक्शन भी नहीं होती, फ्रिक्शनलेस, इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल। तो अभी मैं नॉन आइडियल के बारे में नहीं बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आइडियल स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकली आइडियल स्ट्रिंग नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए अभी हम लोग आइडियल स्ट्रिंग की कॉन्सेप्ट ले रहे हैं बस। प्रैक्टिकली कोई भी स्ट्रिंग आइडियल नहीं होती है, कुछ ना कुछ मास होता है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब जिसको खींच नहीं सकते, धागा दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, ये yes, sir. है ना? ठीक है, तो ये जो धागा है ना इसी को स्ट्रिंग बोल रहे हैं, लेकिन ये इनएक्सटेंसिबल बोलते हैं। बट प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसिबल है क्या? तो ये जो फोर्स आ रहा बेटा अभी इस पे स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग पे जो हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं, जैसे ये देख रहा है ना आपको धागा ऐसा, है ना? स्ट्रिंग पे जो फोर्स की बात कर रहे हैं, ये कब लगता है स्ट्रिंग पर फोर्स? अगर देखिए स्ट्रिंग अभी ढीली दिख रही है आपको, है ना? ढीली दिख रही है, लूज है। टाइट करोगे तो टेंशन फोर्स आएगा, लूज कर दोगे टेंशन खत्म, टाइट रहेगी तो टेंशन रहेगी, और पूरी स्ट्रिंग पे एक जैसी टेंशन है, आइडियल स्ट्रिंग है तो। ठीक है, आइडियल स्ट्रिंग है तो पूरी स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स एक जैसा, और नॉन आइडियल है तो फिर एक जैसा नहीं आता। हम लोग बात कर रहे हैं आइडियल की। आइडियल स्ट्रिंग, इफ स्ट्रिंग इज टॉट, टॉट और टाइट, है ना? टॉट और टाइट, टी आई जी एच टी, टाइट, देन टेंशन इज सेम एवरीवेयर, सेम एवरीवेयर, पूरी जगह पर, पूरी स्ट्रिंग पे एक जैसी टेंशन आएगी। एंड इफ स्ट्रिंग इज लूज, लूज और कट और बर्न्ड, देन टेंशन फोर्स बिकम्स जीरो, देन टेंशन बिकम्स जीरो, तो फिर उस पर टेंशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो स्ट्रिंग पे जो टेंशन फोर्स होता है, तो अगर स्ट्रिंग लूज है, जैसे ये लूज है स्ट्रिंग, दिस इज लूज स्ट्रिंग, तो लूज स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स जीरो रहेगा। अगर आपने स्ट्रिंग को कट कर दिए, कैंची से कट कर दिया, बर्फ जला दिया अपन ने, है ना, तो भी जैसे अगर आप कट करोगे तुरंत उसका टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और स्ट्रिंग अगर टाइट है, जैसे यहां पे देख लो, मान लो ये एक स्ट्रिंग लिए हमने और ये स्ट्रिंग बेटा टाइट है यहाँ पे, समझ गए कि नहीं? स्ट्रिंग टाइट है, जैसे ये पर्सन है एक और
यहाँ पे हमने क्या कर दिए, दीवार ले लिए, और ये क्या कर रहा है, ये पर्सन, ये एक स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, नाउ स्ट्रिंग इज पुल, ये पर्सन इस स्ट्रिंग को खींच रहा है। तो अगर स्ट्रिंग को खींचेगा, पुल करेगा, तो ये स्ट्रिंग कैसी रहेगी, टाइट रहेगी। तो टाइट रहेगी बेटा, तो स्ट्रिंग पे जो टेंशन फोर्स रहेगा, ये टेंशन फोर्स हो गया स्ट्रिंग पे, ठीक है। ये कैसा रहेगा, स्ट्रिंग के दोनों एंड से बाहर की तरफ होता है, स्ट्रिंग के दोनों एंड से बाहर की तरफ होता है। ये जैसे स्ट्रिंग मैंने बना दिया और ये टाइट स्ट्रिंग है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द टाइट स्ट्रिंग, टाइट स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को दोनों तरफ से, जैसे ये वाले एंड से इधर और ये वाले एंड से इधर, ये टेंशन फोर्स लगेगा। समझ गए कि नहीं, ऐसा। तो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन ऐसे बनाना स्ट्रिंग पे, क्लियर हो गया अभी। तो टेंशन फोर्स, इसका भी पेयर आएगा, इसका भी पेयर रहेगा, दिस इज द टेंशन फोर्स ऑन दिस एंड ऑफ स्ट्रिंग बाय द पर्सन। तो यहाँ पे जैसे पर्सन है और यहाँ पे बॉल है, दिस इज टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग बाय पर्सन, दिस इज टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग बाय बॉल। तो ये किस पे लग रहा है, ऑन स्ट्रिंग, किसने लगाया, बाय पर्सन, है ना, ये ऑन स्ट्रिंग किसने लगाया, बाय वॉल। लेकिन दोनों वैल्यू ये सेम रहेगी, टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग बाय पर्सन, टेंशन फोर्स ऑन स्ट्रिंग बाय वॉल इज इक्वल्स टू टेंशन। अगर स्ट्रिंग आइडियल है, आइडियल स्ट्रिंग है, तो पूरी स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स एक जैसी लिखना है। नॉन आइडियल है तो ऐसे कैलकुलेशन नहीं करते, फिर न्यूटन्स लॉ लगा के सॉल्व होता, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना, समझ गए ना। तो अभी हम लोग आइडियल स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। तो जब तक स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं बोला जाता है, तब तक उसको क्या मानना है, इफ नथिंग इज सेड अबाउट द स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को क्या माना जाएगा, बोलो जल्दी से, इफ नथिंग इज सेड अबाउट द स्ट्रिंग, इफ नथिंग इज सेड अबाउट द स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं बोला जाता है, तो वो स्ट्रिंग कौन सी होती है, then वो स्ट्रिंग कौन सी होती है, बोलो जल्दी से, मैकेनिक्स में अगर स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं बोला जाता है, तो उसको आइडियल मानना है, है ना। जैसे ये देखो, ये स्ट्रिंग अभी लूज है, अभी टेंशन फोर्स है क्या स्ट्रिंग पे, टेंशन फोर्स है क्या बेटा अभी, नो सर। अब जैसे मैंने इसको टाइट कर दिया, दोनों तरफ से मैंने क्या कर लिया, इसको खींच रहा हूं, मान लो इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा, तो ये वाले एंड पे भी कितने न्यूटन का फोर्स आएगा, अगर मैं 10 न्यूटन से खींचूंगा, तो कितने का फोर्स आएगा स्ट्रिंग पे, पूरी स्ट्रिंग पे कितने का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, पूरी स्ट्रिंग पे एक जैसा टेंशन क्रिएट होगा, है ना, अगर आइडियल है। तो अभी हम लोग आइडियल की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, समझ गए बच्चों, बोलो जल्दी से, यस सर, ओके, चलो फटाफट नोट कर लो इसको भी सर। बोलो सर, वो फर्स्ट वर्ड मासलेस है। हाँ, फर्स्ट वर्ड मासलेस है, आइडियल स्ट्रिंग मतलब मासलेस, फ्रिक्शनलेस, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब समझते हो, इनएक्सटेंसिबल का मतलब समझते हो, यस सर, क्या होता है इनएक्सटेंसिबल का मतलब, जो एक्सटेंड नहीं होता। हाँ, जो एक्सटेंड नहीं होता, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होती, आप स्ट्रिंग को कितना भी खींच लो, उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। स्प्रिंग की लेंथ चेंज होती है कि नहीं, स्प्रिंग को एक्सटेंसिबल होती ना स्प्रिंग, अगर स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल है, तो वो स्प्रिंग के जैसा काम करेगी, जैसे ये स्प्रिंग है, ये खींच रहा है, इसकी लेंथ बदलती है ना, फिर छोड़ दोगे, वापिस अपनी जगह पे आ जाती है, लेकिन आइडियल स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होती, ठीक है, समझ गया बेटा, हेलो, समझ गए, यस सर, ओके, चलो फटाफट नोट कर लो, आज की कहानी यहीं तक रहेगी, बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे आगे, स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आप लोगों को जो बोला मैंने, होमवर्क मतलब टेक्स्ट बुक रीडिंग जरूर करो, क्योंकि अभी दो दिन से देखो थ्योरी थ्योरी चल रही, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं, तो अभी कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं आया है, है ना। तो आप लोग बेटा क्या करो, टेक्स्ट बुक रीडिंग कर डालो, जब तक पूरा चैप्टर पढ़ डालो सारे बच्चे, है ना। मैंने बोला भाई, आप जितना अच्छा पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक की रीडिंग जितनी बढ़िया रहेगी आपकी, उतना अच्छा है, है ना। टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी, टेक्स्ट बुक रीडिंग करना, नोट कर लो जल्दी से भाई,
होगा सर। अरे वाह, स्क्रीनशॉट ले लिया लगता तूने तो, हैं? नहीं सर, लिखा है। हाँ चल, वेरी गुड। स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कब रहेगा? जब स्ट्रिंग टाइट रहेगी। स्ट्रिंग अगर ढीली पड़ गई, काट दिए, जला दिए, तो टेंशन फोर्स क्या होगा स्ट्रिंग का? खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं, नोट करके हो गया हो तो मैं क्लास एंड कर दूं। क्लास एंड कर सकती हूँ? यस सर। ओके बेटा, स्क्रीन शॉट ले लो, जिसका नहीं हुआ, थोड़ा बहुत रह गया होगा तो तुरंत लिख लेना, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, बाय सर। ओके बेटा, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।